गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास LKG मैथ्स स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पेज नंबर 56 की एक्सरसाइज। इसमें आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। बताइए वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, तो आप नोट लिखेंगे 12। सेकेंड, जुलाई हैज़ डैश डेज। जुलाई में कितने डेज होते हैं? देखो जुलाई मंथ में आपके 31 डेज होते हैं। अक्टूबर हैज़ डैश डेज। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? अक्टूबर में 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? मतलब वन ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज। और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है तो हो जाते हैं 366 डेज। नेक्स्ट, मे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। जो मे मंथ है वो कौन से दो मंथ के बीच में आता है? तो मे आपका अप्रैल और जून के बीच में आता है। देखो अप्रैल, मई, जून, तो इस तरीके से अप्रैल एंड जून लिखेंगे आप। अगस्त हैज़ डैश डेज। अगस्त में होते हैं आपके 31 डेज, तो आप यहाँ लिखेंगे 31। नेक्स्ट, नवंबर कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। नवंबर किन कौन से मंथ्स के बीच में आता है? तो नवंबर आपका देखो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आता है। पहले अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, तो नवंबर किसके बीच में आया? अक्टूबर और दिसंबर के। नेक्स्ट, जून कम्स आफ्टर मई। मार्च कम्स बिफोर अप्रैल। जनवरी हैज़ डैश डेज। तो जनवरी में स्टूडेंट्स आपके होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट, दिसंबर कम्स आफ्टर, देखो यहाँ पे बताना है जो दिसंबर है वो कौन से मंथ के बाद आता है? तो देखो यहाँ पे आएगा आपका नवंबर, तो आप यहाँ लिखेंगे नवंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, फरवरी हैज़ डैश और डैश डेज। तो फरवरी में देखो 28 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज होते हैं, तो आपको लिखना है 28 और 29। सेप्टेम्बर कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। तो सेप्टेम्बर स्टूडेंट्स आपका अगस्त और अक्टूबर के बीच में आता है। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, तो आप यहाँ लिखेंगे अगस्त एंड अक्टूबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो आपको ये पेज नंबर 56 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें अपने बुक में करना है और अच्छे से इन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।